बताऊंगी, खड़ी हो इधर। हां क्या है तेरे को? मैं बे कॉलेज में तो बड़ी हीरोइन बन रही थी। जितना मुंह तेरा वहां खुल रहा था, यहां पे खोल के दिखा जरा। तेरे उस मुंह में ना सारी किताबें भर दूंगी मैं। और हां याद रखियो, अगर आज के बाद तूने टीचर को याद दिलाया ना कि आज असाइनमेंट चेक करने की डेट है, तो मैं तेरा गला काट के ना टेबल पे रखूंगी। खाली शरीर के साथ घूमती रही उधर उधर, भिख मांगी कहीं की टीचर। ओए ओए देख देख तेरी शर्ट फटी हुई है। देख 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 ये ना पक्का फटे कपड़े पहनती होगी, तभी ना ये डर गई एकदम से। सही कह रही है। रिंकी वो पहले एक स्कूल में नहीं होता था कि एक जैसे ड्रेस पहन के आते थे, तो इसको लगता है कि इस कॉलेज की यही ड्रेस है। और मुझे तो लग रहा है कि अपने भाई की शर्ट पैंट पहन के आई है। देखना यार लड़कों वाली ड्रेस है, ऐसे तो मैं पहनता हूँ। जब घर में बड़ों के कपड़े छोटे हो जाते ना, तो इन जैसे को दे दिए जाते हैं। ये दूसरों के टुकड़े पे ही तो पलते आते हैं। और होता क्या, पता है तेरे को, मेरी काम वाली है ना, इससे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनती है। पर वो तो अच्छे कपड़े पहनेगी पहनेगी, क्योंकि मेरे पुराने कपड़े जो उसे मिलते हैं अब। हाँ जब तू सोच रही है, मैं वही कह रहा हूँ। एक काम कर रिंकी, तू ना अपने इस पुराने कपड़े दे दे, क्योंकि तेरे जो पुराने कपड़े होंगे ना, इसके लिए नए कपड़े बन जाएंगे। हुस्न की परी लगेगी तू। लेकिन पता है क्या, इसकी हालत देखो जरा, इसके ऊपर मेरे पुराने कपड़े भी ना गंदे हो जाएंगे, कितनी बदबूदार है। इसको देख के तो चिढ़ाती है यार। ये ऐसे ऐसे लोग हमारे कॉलेज में आते हैं, वो भी पढ़ने, और वो भी हमारी क्लास में बराबर हम बैठते हैं। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है। कहाँ जाएगी तू? हाँ हमारी डांट लगवा दी क्लास में असाइनमेंट के नाम की। तुझे क्या लगता है इतनी शांति से यहाँ से चले जाएगी? किताब से ना मार मार के तेरा मुंह डब्बे जैसा कर दूंगी मैं। गवार कहीं की, चली मैडम की चमची बननी। चल निकल जा, ऐसा ना तेरे को यहीं पे उधार दे हम। चल गवार तमीज। ज्योति ज्योति यार मेरी बात तो सुन ले यार, प्लीज यार। यार मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी भी कोई कसर बाकी रह गई है क्या मेरी बेइज्जती और मेरा मजाक उड़ाने में? यार मैं तेरा मजाक थोड़ा उड़ा रहा था, वो तो धर्मेंद्र और रिंकी उड़ा रहे थे। साथ तो तुम उनका दे रहे थे ना। पर यार मैं तेरे साथ उल्टा थोड़ा बोला यार। ठीक है बोलो जल्दी। ज्योति क्या शाम को तुम्हें घर पे आ सकती है स्टडी के लिए? नहीं सॉरी, एक्चुअली रिंकी और धर्मेंद्र वहाँ होंगे, फिर मेरा मजाक और मुझे परेशान करेंगे। अरे यार धर्मेंद्र और रिंकी नहीं आएंगे यार, और आएंगे भी ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो तेरे को कुछ भी परेशान नहीं करेंगे। और तुझे पता है यार धर्मेंद्र और रिंकी कितने नलायक हैं पढ़ने में यार, और तू इंटेलिजेंट है यार, तो यार इसमें मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। प्लीज यार आ जा यार। ठीक है मैं आ जाऊंगी। 5 बजे आ जाएगी? ठीक है थैंक यू यार। अरे ज्योति क्या हुआ, तू बहुत परेशान नजर आ रही बेटा। नहीं भैया सब ठीक है, वो बाहर धूप बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। नहीं नहीं मेरे को लग रहा है बात कुछ और ही है, क्योंकि तू धूप पे पहले भी ऐसे आई है, लेकिन कभी इतनी उदास नहीं होती थी। आज तेरे चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन नजर आ रही है, किसने कुछ कहा है क्या तुझे? आज कॉलेज में असाइनमेंट था तो टीचर भूल गई थी, तो मैंने याद दिला दिया, तो बैक बेंचेस और जो बिगड़ी हुई औलाद है वो मुझे कहने लग गए कि तू ज़्यादा चमची है टीचर की, तुझे ज़्यादा चापलूसी करने का शौक है, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करियो। और मेरे कपड़ों के लिए भी मुझे बोला कि तू भाई के कपड़े पहन कर आती है, तू गरीब है, तेरी औकात क्या है, और तू हमारे सामने खड़ी है, पता नहीं तुझे कैसे कॉलेज में एडमिशन दे दिया। मुझे ना जाने कितना बेइज्जत किया और कितना जलील किया कि कुछ, बस मैं बहुत परेशान हूँ भैया इसी वजह से। देख बेटा मैं तुझे बस इतना ही समझाऊंगा कि तू ऐसे लोगों की ना बातों में मत आया कर, ये जो बिगड़े बाप की औलादे होती है ना, ये अपने बच्चों को पैसे तो दे देते हैं इनके माँ बाप, लेकिन संस्कार देना भूल जाते हैं। इन लोगों का मकसद हमेशा यही होता है कि जो गरीब है या मिडिल क्लास है ना, उसको कभी ऊपर नहीं उठने देना। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो है विद्या। विद्या के दम पर ना हम इनके बराबर क्या इनसे ऊपर भी उठ सकते हैं, और ये हमारे को रोकने की इसलिए कोशिश करते हैं। तुझे बेटा पढ़ाई पर ध्यान देना, इन लोगों की बातों में नहीं आना है। अगर तू पढ़ लिखेगी ना, अगर तू पढ़ेगी लिखेगी ना, तो इनसे भी बड़ी बन सकती है। तो ना इन लोगों के ऊपर से ध्यान हटा के खाली पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर, और इन लोगों को इग्नोर कर। जी भैया, उनके ग्रुप में एक लड़का है, वो काफ़ी समझदार है और मेरा अच्छा दोस्त भी है। आज उसने जब अपने दोस्तों के साथ बेइज्जती होते हुए देखी मेरी, उसके बाद उसने मुझे सॉरी भी कहा, और आज उसने अपने घर शाम को ग्रुप स्टडी के लिए बुलाया। तो भैया मैं चली जाऊँ? ये तो अच्छी बात है बेटा, कुछ लोग अच्छे होते हैं, और ऐसे अच्छे लोगों के साथ में ना ग्रुप स्टडी करना अच्छी बात है, क्योंकि जो विद्या होती है ना वो बांटने से बढ़ती है।
तो तू जरूर जाइए ग्रुप स्टडी करने के लिए और उसकी हेल्प करियो, ठीक है ना? इससे तेरी भी, इससे तुझे भी फायदा होगा। हाँ भैया, उसको वैसे भी स्टडी करने में थोड़ी प्रॉब्लम है और सेमेस्टर भी आने वाले हैं, तो मैं चली जाऊँगी। चल तू अब थोड़ा रेस्ट कर ले अंदर जाके। कम से कम यहाँ तो पढ़ाई कर ले, अभी भी फोन में लगा है। पैसे देके पास होता रहेगा क्या पूरी जिंदगी? फॉर्मूले देख रहा हूँ। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। लग रहा ज्योति आ गई। बैठने तो यार। अरे यार क्या करेगी ऊपर बैठ करके, नीचे बैठ जाएगी ना, और वैसे भी इसको तो आदत ही होगी नीचे बैठने की। फालतू में तू सोफा गंदा कराएगा, देख सुबह के कपड़े अभी तक नहीं बदले उसने। और वैसे भी सलमान, अगर रोज रोज यहाँ पे बैठेगी ना हमारे साथ सोफे पे, तो आदत बिगड़ जाएगी चलते ही। और क्या, लोगों को अपनी हैसियत हमेशा याद रखनी चाहिए, जहाँ से बिलोंग करते हैं ना वहीं पे रहना चाहिए उनको। बैठ जाएगी नीचे, कपड़े भी गंदे, फर्श तो इसके कपड़ों से साफ ही दिख रहा है मेरे को। सलमान मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, धर्मेंद्र और रिंकी आएंगे ग्रुप स्टडी के लिए तो मैं नहीं आऊंगी, और देखा वही हुआ जो मैंने कहा था तुमसे, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे कोई ग्रुप स्टडी नहीं करनी। या ज्योति रुको तो सही एक मिनट, धर्मेंद्र और रिंकी यार तुम क्या कर रहे हो यार, वो पढ़ाने आई है, तुम उसके साथ बेइज्जती कर रहे हो यार, वो भी तो इंसान है, बैठने तो यार क्या हो जाएगा। और यार मैं उसे बोल के लाया था कि तुम बेइज्जती नहीं करोगे, तुम फिर बेइज्जती करो। चलो सॉरी बोलो इसको। चल ठीक है सॉरी, आगे बैठ जा यार। वाली बुक लेके आई है ना जो बताया होगा इसने। हाँ मैं लेकर आई हूँ। अच्छा ये बता तू टीचर की इतनी चमची बनी फिरती है, पास तो तू ऐसी हो जाती होगी, टीचर के बच्चे खिलाती है स्कूल में। अच्छा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे आनी नाम को। यार बर्तन कौन धोएगा यार, मुझे तो धोने नहीं आते और धोने वाली आंटी भी नहीं आई यार, इनकी तो धो देगी। मेरे हाथ में लगी थी चोट और मेरे को डॉक्टर ने किया है मना कि पानी में हाथ नहीं देना क्योंकि मेरा दर्द बढ़ जाएगा, देख लगी हुई है अभी भी, तो मैं तो नहीं धो सकती। ज्योति धो देगी, वैसे भी इकलौती वही बची है, तुझे धोने आते नहीं, धर्मेंद्र धो सकता नहीं, मेरे हाथों में चोट लगी है, तो ज्योति बची चौथा पर्सन। यार ज्योति हमें पढ़ाने आई है, उसे बर्तन धुलाएंगे, अच्छी बात होना यार। अब यार कौन सा हम पोछा लगवा रहे हैं इसे, तू पोछा लगवा रहा है क्या, बर्तन ही तो धुलवा रहे हैं, धो देगी क्या जा रहा है, तीन कप ही तो है। और क्या, और बर्तन धोना कौन सा बड़ा काम हो जाता है क्या, बर्तन धोने से कोई झुक जाता है? और तेरी दोस्ती तो है वो, तू उसके लिए इतना करता है, तूने उसको ग्रुप स्टडीज पे बुलाया, जा करके हमसे उससे सॉरी बुलवाई, तो अगर दोस्ती के नाते ही इतना भी नहीं कर सकती ना, तो वन साइडेड दोस्ती का ना कोई फायदा वायदा नहीं है। तू तो मत ही रख, ये तो दोगली है तेरी दोस्ती। कोई बात नहीं, वैसे भी कप धोने से कोई छोटा कोई हो जाता है, मुझे तो आदत है, मैं कर देती हूँ। तुम लोग ग्रुप स्टडी करो। ओके नो प्रॉब्लम। देख रहा है कितने तरीके से कप उठाए हैं उसने, एक के ऊपर एक, मतलब उसको सारे काम आते हैं, घर घर में जाके काम भी करती होगी। वैसे इसका वीडियो बना लेते कॉलेज सबको दिखाएंगे। बना बना बना, बहुत मैडम की चमची बनती है, और मॉनिटर बनेगी, मॉनिटर को बनाऊंगा मॉनिटर। पूरी काम वाली अरे यार बोला ना उसने कि मजाक मत उड़ा उसका। सलमान जाके एक बार चेक तो कर ले, बर्तन धोए भी है या ऐसे पानी से निकाल के रख रही है। सही कह रहा भाई, देख के आता हूँ मैं एक मिनट। देख एक दिन ना इतने अपना ही काम सही से नहीं कर पा रही, इसको पहले दूर कर। चल इससे बढ़िया तो मैं चाय पी रहा था ना उस टाइम थे कभी, ऐसे बर्तन धोएगी तो हो गया काम भाई तेरा, तू तो पक्का पिटेगा मम्मी से। अभी तो इसकी शक्ल भी इतनी गंदी रहती है क्योंकि इसको कोई काम नहीं आता, ना तो बर्तन धो पा रही है ना तो अपना मुंह साफ कर पा रही है। अबे ज्योति जब तेरे को बर्तन नहीं धोने का मना कर देती यार, ये तो तूने गंदे के गंदे और कर दिए अपने शरीर से। ज्योति हमें लगा था कि तू
काम वाम तो कर ही लेती होगी यार घर का, तू तो एक्सपीरियंस होगी ना, जगह जगह तो जाती होगी, और आज फिर से यहाँ पे कप धोने को बोला तो तूने कप गंदे कर दिए। अबे यार हमने भी ना गलत बंदे से उम्मीद कर दी, 10 दिन से उसने अपने कपड़े तो धोए नहीं है, तो वो बर्तन कैसे धो लेगी। अबे यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, बिल्कुल सही कह रही है तू। बस सलमान चुप हो जाओ तुम सब, मुझे पता नहीं था कि तुम भी मुझे यहाँ पे लाकर बेइज्जती करोगे मेरी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे कोई ग्रुप स्टडी नहीं करनी, क्योंकि तुम भी उनकी तरह ही हो, जैसे तुम्हारे दोस्त हैं बिगड़ी हुई बाप की औलाद, और मैं जा रही हूं ऐसे। पता नहीं लड़की है। क्या बेटा तू रो क्यों रहा है? भैया मैंने आपको बताया था ना ग्रुप स्टडी के लिए, वो लड़का भी बहुत बेकार है, उन जैसा ही है, जैसे बाकी लोग मेरी बेइज्जती करते हैं ना, सलमान भी वैसा ही निकला उन लोगों की तरह, जैसे वो मुझे बेइज्जत करते हैं ना, उन सबका सारा प्लान था कि मुझे ग्रुप स्टडी के लिए बुलाएंगे और मेरे को जलील करेंगे, और जब मैं वहाँ गई तो कहते हैं अपनी हैसियत के साथ रह, नीचे बैठती है तू नीचे ही बैठ, सोफे पे नहीं बैठने दिया मुझे, और जब सलमान ने बोला बैठने के लिए तब मैं बैठी, और फिर उन लोगों ने मेरे को बहाने से बर्तन धोने के लिए बोला, और मैंने बर्तन धो दिए तो उन्होंने मेरी बर्तन धोते हुए वीडियो भी बनाई और उन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत किया। हद कर दिया आज उन लोगों ने, मेरा खून खोल रहा है, मन तो करे जान से मार डालूं, तू मेरे साथ चल, उनकी हिम्मत कैसे होती है बदतमीजी करने की, अब इनको सबक सिखाऊंगा मैं। नहीं भैया आप रहने दो, वैसे भी मेरे कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा और मैं वैसे ही नहीं चाहती कि कोई बकेड़ा खड़ा हो। ठीक है ज्योति, अगर तू और मैं जवाब नहीं देंगे ना तब भी उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, वो ऊपर वाला है ना, वो ऊपर वाला उनको सजा जरूर देगा, और वैसे भी ना इन लोगों से जितनी दूरी बना के रखे उतनी अच्छी है, ये लोग ना खाली डीमोटिवेट करने आते हैं या हमारे फोकस को खराब करने आते हैं, इसलिए ना इन लोगों से मिलने की आजकल कोई जरूरत नहीं है, और लास्ट सेमेस्टर चल रहा है इसलिए मैं इन लोगों को अभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि तेरी पढ़ाई में कुछ बकेड़ा खड़ा हो, बस तू जल्दी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर लिए, अभी तू बिल्कुल भूल जा जो कुछ हुआ है, बस तू पढ़ाई पे ध्यान दे, चल बेटा अंदर जाके आराम कर। जी भैया। ये कौन है? अरे यार खड़ो खड़ो खड़ो, पता है धर्मेंद्र मैं तो बहुत डर गई थी यार, अब तो तू बिल्कुल ठीक है ना? हाँ रिंकी यार अब तो मैं बहुत ठीक हूँ पहले से, वो तो भला उस लड़के का जिसने वक्त रहते मेरे को बचा लिया, वरना शायद उस इंसान रोड पे ना मेरे को कोई मदद वाला नहीं मिलता, और मैं इस दुनिया में भी नहीं होता अब। और तुझे पता है रिंकी, मैं उसे यार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मतलब तूने अभी तक उसको थैंक यू नहीं बोला? अरे कहाँ मौका मिल पाया, जब तक मेरे को होश आया ना तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वो चला गया है, तो नंबर तो नहीं दिया था उसने ना अपना एड्रेस दिया था हॉस्पिटल में, तो मैंने उसका एड्रेस तो ले लिया है, अब मैं उसके घर पे जाऊंगा और उससे यार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचा ली। चल यार अब तुझे ना उस आदमी का ज़रूर शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो दूसरों की हेल्प करते हैं। सही कह रही है रिंकी, अगर उसकी जगह शायद मैं होता तो शायद मैं भी इग्नोर करके चला जाता, पर ऐसे व्यक्ति ना बहुत कम होते हैं। तू चलेगी मेरे साथ उसके घर पे? हाँ हाँ जरूर चलूंगी यार, मेरे दोस्त की जान बचाई है उसने। एक काम करते हैं चलते हैं यार, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है यार उसको शुक्रिया अदा करने का। चल ठीक है चलते हैं, तू कह रहा है तो।
ठीक है, आराम से आराम से चलो। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते, अरे खड़े में बैठो बैठो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर है पहले से, और हॉस्पिटल से ही मेरे को आपका एड्रेस मिला और मैं फिर आपसे मिलने चला आया। मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का और आपका शुक्रिया अदा करने का। अरे आप दो मिनट बैठो, मैं एक मिनट आ रहा हूँ बस। बहुत भले इंसान है, देखा ना तूने कितने हम्बल इंसान है यार। सही बात है, शायद मैं इसकी जगह होता ना तो मैं भी किसी से अच्छे से ट्रीट नहीं करता बिना मतलब वो भी। अरे ज्योति। हाँ भैया। अरे बेटा कुछ ना गेस्ट आए हैं तो तू ना चाय पानी दे देगी उनको, मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा, और कोई है नहीं घर में। हाँ जी भैया ठीक है, अभी आती हूँ मैं। अरे और हाथ कैसे तुम्हारा? हाथ पहले से ठीक है और अब तो काफी इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छी बात है, अपना ध्यान रखो, अभी ना थोड़ा सा नया नया टाइम है तो। तुम ज्योति, तू तुम ये क्या कर रहे हो दोनों? अरे ज्योति तुम इन्हें जानती हो? हाँ भैया, मैंने आपको बताया था ना मेरे कॉलेज मेट्स जो मुझे टॉर्चर करते थे, बार बार परेशान करते थे, ये दोनों वही है। क्या आप दोनों जो मेरी बहन को परेशान करते थे, उसका जीना हराम कर रखा था इन लोगों ने। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? अगर भगवान ने आपको ज्यादा पैसा दिया है तो उस चीज का क्या घमंड करना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को जीने नहीं दोगे। आपने मेरी बहन को इस कदर तोड़ दिया कि बेचारी पढ़ भी नहीं पा रही थी ठीक से, सुसाइड तक करने की नौबत डाल दी थी तुम लोगों ने। मुझे तो शर्म आ रही है, गुस्सा रहा बहुत ज्यादा, तुम मेरे सामने खड़े क्यों हो अभी? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं अपने बाप की दौलत पे ना कुछ ज्यादा ही घमंड करता था। मैं इंसान को इंसान नहीं समझता था, पर जब आपने मेरी जान बचाई ना तब मुझे पता चला ये दौलत शोहरत तो ये सब पड़ी की पड़ी रह जाती है, जान है तो जहान है। और आप भी देखिए ना, आपने भी मेरी यूं ही मदद कर दी, वो भी सिर्फ एक इंसानियत के नाते। मुझे माफ कर दीजिए, आज ना मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं इंसान को इंसान नहीं समझता था, मैं बहुत गलत था। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, हमारे अंदर तो इंसानियत जैसे मरी गई थी, बट आपने जिस तरीके से हेल्प करी है ना उससे हमें सबक मिल गया कि ह्यूमैनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा, हर लोगों के साथ बदतमीजी करना, कॉलेज में रैगिंग करना, ये सब करके तो हम लोग बस अपना नुकसान ही कर रहे थे। सही बात है सर, और शायद आज ये मेरे साथ हुआ है ना तो कहीं ना कहीं मेरे को अपनी गलती का फल ही मिला है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अगर आपको अपनी गलती का सच में एहसास हो गया तो मैं बस ज्योति इतना ही कहूँगा कि तू इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ना अपनी गलती की माफ़ी मांगने पर तो भगवान ही माफ़ कर देता है, हम तो फिर भी इंसान हैं, तो माफ़ कर दे बेटा, इनसे गलती हो गई है और इनको अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। हाँ ज्योति प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे जो बड़ी गलती हो गई ना हम उसके के लिए क्षमा चाहते हैं, और वैसे भी यार आखिरकार हम क्लासमेट हैं, फ्रेंड ही हैं। हाँ ज्योति आई एम रियली सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, इनफैक्ट मुझे तो ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था तुम्हारे साथ ऐसे, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है तुम दोनों ने माफ़ी मांग ली और अपनी गलती का रियलाइजेशन है, तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, इट्स ओके। पर आगे से तुम ध्यान रखना कि किसी को इतना टॉर्चर मत करना कि कोई सुसाइड कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश की है कि गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज होती है इंसान की जिंदगी उसकी सांसें, और जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो पैसा धरा का धरा रह जाता है, तो इससे दौलत का घमंड तो कभी मत करना और कभी किसी इंसान के अंदर फर्क मत करना, क्योंकि भगवान ने अगर आपको दौलत दी है या आपके पास में अगर दौलत की कमी है तो उससे निराश मत होना, और अगर ज़्यादा दौलत दिया तो कभी उस चीज़ का घमंड मत करना, क्योंकि राजा रंग एक मिनट के अंदर बदल जाती है स्थिति। तो बस यही कहूँगा कि हमारी वीडियो का जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप लोगों को एक अच्छा मैसेज मिल सके, और हमारी स्ट्रेंथ आप हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलते अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और फॉलो ज़रूर करना।